एक डीजी रैंक के अधिकारी जो कहीं ना कहीं एक आईपीएस की पोस्ट से गए हुए हैं, वो बोलते हैं कि अगर आपको रिसीविंग चाहिए तो वो चौराहे से मिल जाएगी, आप चौराहे से जाकर रिसीविंग लीजिए। तो हमारी यही मांग है कि इस भर्ती को निष्पक्ष तरीके से एसआईटी जांच हटा दे, इस भर्ती को संपन्न कराया जाए और भर्ती प्रक्रिया अभी जो चल रही हो उसको रोका जाए। ज्ञानवापी शिवलिंग वाले क्षेत्र को संरक्षित रखें, नमाज पढ़ने पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहता है। शीर्ष अदालत का फिलहाल वाराणसी की निचली अदालत की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार। अधिवक्ता आयुक्त अजय मिश्र हटाए गए, रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन का समय। शिवलिंग के दर्शन पूजन, वजूखाने से शौचालय व मछलियों को हटाने की मांग पर सुनवाई होगी। योगी कैबिनेट का फैसला, किसी नए मदरसे को अनुदान नहीं जी। LIC डूबे 42,500 करोड़, थोक महंगाई 15.08%, 30 साल में सबसे ज्यादा। अच्छा, अखिलेश यादव भी हैं इधर। अखिलेश यादव क्या कहते हैं, महंगाई पर चर्चा से बचने के लिए भाजपा ज्ञानवापी जैसे मुद्दे उठा रही है। नमस्कार, मैं हूं अभिनेंद्र। ये 18 मई 2022 का अखबार है, प्रतिदिन आता है। फ्रंट पेज है, आधे पेज में तो विज्ञापन है, लेकिन आधे पेज में जो खबरें हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं। इन खबरों को समझने की जरूरत है। मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं? पहला मुद्दा ज्ञानवापी है, जिसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट छपी है, काफी बड़ी हेडलाइन है, काफी अच्छा स्पेस दिया गया है। उसके बाद नीचे 2 महत्वपूर्ण खबरें और हैं, क्राइम की खबर है और एक अखिलेश यादव का बयान छपा हुआ है। तो महत्वपूर्ण खबरों में ज्ञानवापी के बाद LIC है और LIC के बाद महंगाई है। LIC में 42,500 करोड़ रुपए डूबे, ये हेडलाइन है। निवेशकों को झटका, 8% से अधिक गिरकर सूचीबद्ध हुआ शेयर। वहीं दूसरी खबर है थोक महंगाई 15.08%, 30 साल में सबसे ज्यादा। खाद्य वस्तुओं और पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा तेजी से थोक महंगाई अप्रैल में बढ़कर 15.08% पर पहुंच गई है। यह सितंबर 1991 के बाद 30 साल 8 महीने का उच्च स्तर है। उस समय थोक कीमतों पर आधारित महंगाई 16.31% थी। अप्रैल 2021 में यह 10.74 और इस साल मार्च में 14.55% रही थी। खुदरा महंगाई भी अप्रैल में से बढ़कर 8 साल के उच्च स्तर पर है, 7.79% पहुंच गई है। माना जा रहा है कि महंगाई बढ़ने के कारण RBI अगले माह ब्याज दरें भी बढ़ा सकती है। ये अखबार की खबर है जिसमें ज्ञानवापी के बारे में तो विस्तार से छपा हुआ है, क्योंकि ज्ञानवापी अभी चर्चाओं में है, लेकिन महंगाई भी छपा हुआ है और यह भी छपा हुआ है कि LIC में 42,500 करोड़ डूब गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, अखबार तो आप भी पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ा कीजिए, क्योंकि अखबार में जो खबरें छपती हैं वो थोड़ा टीवी से हट के छपती हैं। कुछ ऐसी खबरें होती हैं जिनकी चर्चा नुक्कड़ वाले चाय की दुकान पर नहीं होती है। खैर, ज्ञानवापी की चर्चा तो आजकल नुक्कड़ वाले चाय की दुकान पर भी होती है, क्योंकि यही अब अहम मुद्दा बन गया है। लोग भूल गए हैं कि पेट्रोल कितना महंगा है, डीजल कितना महंगा है, खाने का तेल कितना महंगा है, सब्जियां कितनी महंगी होती जा रही हैं। तो मुद्दा आपको चुनना है कि आपके लिए सबसे गंभीर मुद्दा क्या है। मैं आपको 4 विकल्प देता हूं। इस विकल्प में से कोई एक विकल्प चुनिएगा मत, बस प्राथमिकता दीजिएगा कि कौन सा मुद्दा आपके लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है। इन 4 विकल्पों को आप नोट कर लीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें बताइएगा जरूर। पहला, ज्ञानवापी का मुद्दा। दूसरा, मदरसों का मुद्दा। तीसरा, अखिलेश यादव ने क्या कहा। और चौथा, महंगाई का मुद्दा। चलिए ज्ञानवापी को लेकर कुछ अपडेट्स आपको हम दे देते हैं जो मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित हुआ है। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट को लेकर नया मोड़ आ गया है। विशेष अधिवक्ता आयुक्त द्वारा रिपोर्ट पेश होने से पहले हिंदू पैरोकारों में फिर से
फूट पड़ती हुई दिख रही है। कारण ये कि वादी पक्ष को सहयोग कर रहे विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा है कि इस पूरे मामले को उलझा दिया गया है। मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी मामले को कोई तीसरा पक्ष गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा है कि वादी पक्ष के लोगों में अलग अलग चलने की होड़ मच गई है। इधर वादी पक्ष के महिलाओं ने कहा है कि जितेंद्र सिंह बिसेन गलत आरोप लगा रहे हैं। वादी राखी सिंह के रिश्तेदार होने के कारण जितेंद्र सिंह बिसेन के इस बयान को गंभीरता से लिया जा रहा है। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा था कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष बिखर चुका है। दुर्भाग्य है कि जब से ज्ञानवापी मामला सुर्खियों में आया है तब से कई लोग पार्टी बनने की कोशिश कर रहे हैं। वादी पक्ष के लोग गुमराह हो गए हैं, वह कठपुतली बन गए हैं और समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। इस पूरे मामले को विवाद में खड़ा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि समान से मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना दिया गया है। अगर सर्वे कमीशन की टीम शांति से रिपोर्ट दाखिल कर देती तो ठीक होता, लेकिन दो दिन का समय लेना, चीजों को उलझा देना, मामले का मीडिया ट्रायल में चले जाना और मामले को विश्वव्यापी बना देना जैसी चीजें हो रही हैं जो समझ से परे हैं। खैर, मीडिया ट्रायल तो मीडिया में हो रहा है, लेकिन कुछ ट्रायल नुक्कड़ वाली चाय की दुकान पर भी हो रहा है, क्योंकि मुद्दे तो उनके बीच से भी गायब हो चुके हैं और मुद्दा है केवल ज्ञानवापी। वो भी महत्वपूर्ण मुद्दा है, विचार कीजिएगा। क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई की भर्ती में अभ्यर्थियों ने बड़ी धांधली की है? 57 लोगों को जेल भेजा गया है। जी हाँ, ये खबर नवभारत टाइम्स पर प्रकाशित हुई थी। इस खबर को यदि आप नहीं जानते तो इस खबर को मैं आपको बता देता हूँ। खैर, ये भी एक अहम मुद्दा है, आपको समझना चाहिए, रोजगार को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन क्या वाकई में रोजगार को लेकर सब कुछ सही चल रहा है? उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में 57 अभ्यर्थी गड़बड़ी करते हुए गिरफ्तार किए गए थे। शुक्रवार को पुलिस भर्ती बोर्ड ने जानकारी देते हुए बताया था कि कैंडिडेट रिस्पांस लॉग में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। वहीं फिजिकल और दस्तावेजों के परीक्षण के दौरान इन्हें पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक इन सभी की गिरफ्तारी उस समय हुई जब इनके प्रमाण पत्र मिलान एवं शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया गया। इनमें से कई अभ्यर्थियों के फिंगरप्रिंट मिसमैच कर रहे थे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती 2021, यूपी पार्टून कमांडर भर्ती 2021 और अग्निशमन द्वितीय अधिकारियों के पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई के 9027 पदों पर पार्टून कमांडर पीएससी के 484 और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 23 पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। इसके लिए कुल 18 दिन में 54 पालियों में परीक्षा ली गई थी। वहीं इन पदों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट का आयोजन 25 अप्रैल 2022 से किया जाना प्रस्तावित था। आपको बता दें कि कई अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन परीक्षा में ही अनुचित साधनों का प्रयोग किया था। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भिजवा दिया है। इसके साथ ही इन अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पाल्टून कमांडर अग्निशमन द्वितीय अधिकारी आदि पदों के लिए जो भी भर्तियां चल रही हैं उस पर कई सवाल या निशान खड़े हो गए। इन सभी पदों के लिए 12 जनवरी 2021 से 2 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई थी। बात उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की चल रही है तो आपको अच्छी खबर भी दे देते हैं। यूपी पुलिस में कांस्टेबल तथा फायरमैन के 26,382 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार है। इस भर्ती के जरिए राज्य में कांस्टेबल के 26,210 और फायरमैन के 172 पदों पर भर्ती की जानी है। राज्य में कांस्टेबल भर्ती को आयोजित करने वाली संस्था उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यानी UPPBPB ने इस भर्ती के लिए तैयारी शुरू कर दी है। यह उम्मीद जताई जा रही है कि इस भर्ती के लिए मई के आखिरी में या जून की शुरुआत में नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। हालांकि इस संबंध में अभी तक UPPBPB ने कोई भी जानकारी नहीं दी, इसलिए अभ्यर्थियों को इस भर्ती से जुड़े अपडेट्स के लिए उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर नजर बनाए रखनी चाहिए। वहीं अगर आप भी कांस्टेबल भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि भर्तियां आने वाली हैं। लेकिन सतर्क रहिए,
कुछ लोग इन भर्तियों का फायदा भी उठा सकते हैं और ये भर्तियां कहीं फिर से गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए आपको भी जागरूक बनना पड़ेगा और गलत संसाधनों का इस्तेमाल करने से बचना पड़ेगा, क्योंकि क्राइम तो क्राइम होता है। अब निर्णय आपको लेना है कि आपको खबरें कैसी देखनी है, आपके लिए मुद्दा कौन सा महत्वपूर्ण है। हम अन्य खबरों के साथ फिर आपके बीच में हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।